एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जुगन कासिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगन जी, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स टू द पॉइंट। मेरे कद के हिसाब से, कद के हिसाब से पसंदीदा साथी अदाकार या अदाकारा? नुमान एजाज। अदाकारा? वाओ, नुमान एजाज। ओके, कोई ऐसी बात जिस पर फौरन गुस्सा आ जाता है? झूठ। सोकर उठे और पता चले कि भाई बन गए हैं तो जेंडर तब्दील हो गया तो क्या करेंगी? पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने दिक होती होते यार, बस फिर दुनिया की खैर नहीं। आपको जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलेंगी? अपने गुस्से को। फैसल साहब को आपकी कौन सी आदत बहुत पसंद है? मेरी कौन सी आदत पसंद है? ये मुझे कौन सी नहीं पसंद, मैं लिस्ट दे देती हूँ। नहीं नहीं, हमें तो अच्छा, कौन सी आदत पसंद है? एक्चुअली उसको मेरी जो एक आदत पसंद है, जो वो मुझे अक्सर कहता है कि गलती मैं मान लेती हूँ, जब मैं गलती करती हूँ तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती हूँ। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। बिरयानी क्या होती है? अगर आपके पास रिक्शा हो तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करेंगे? आंदे जाओ जानदे जाओ, आंदे जाओ जानदे जाओ, आंदे जाओ। आजकल का पॉपुलर फैशन जो आप कभी नहीं करना चाहेंगे? ये होंठों को बुरा लेना जी। अच्छा, आए रब्बा, ये जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, अच्छा मत बनाइए, अच्छा बुरी लग रही है तो इसीलिए तो नहीं कराऊंगी। क्या मशवरा है इनके लिए? इनके लिए यही जो ये लोग ये ऐसा फैशन करवाती हैं, बंदा बान बांदर ना बान। कुछ नाम लूंगा, पहली चीज क्या जहन में आती है और क्या कहना चाहेंगी? निदा यासिर। हाय, मेरी सदके में फ्रेंड है। सनम जंग साहिबा। व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आई लव हर। फराह हुसैन साहिबा। फराह हुसैन साहिबा, वेरी सेंसिबल, वेरी सोबर। कनाडा में पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी नौकरी की? आई वॉज अ जैनिटर, मैं सफाई झाड़ू पोछे का काम करती थी। फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी मैंने बाउंसर की भी जॉब की, क्लब्स में जो चेक करते हैं कि कोई पिस्तौल तो नहीं लेके जा रहा। सो आई वॉज अ फीमेल बाउंसर एज वेल। आई वॉज अ गार्ड एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में रात की जो ड्यूटी होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली दिन में क्लासेज अटेंड करनी होती थी, तो 40 घंटे काम करती थी और उसके अलावा पूरा कॉलेज का भी लोड था। तो ये तीन चीजें की, एंड देन कॉफी शॉप में भी काम किया। घर के किसी मुलाजिम ने कोई नुकसान कर दिया हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है? बहुत ज्यादा गुस्सा है तो रो पड़ती हूँ। गुस्से की पीक का मतलब करके रोना, अगला वैसे डर के कहता सब कुछ कर लेंगे। कभी ऐसा हुआ किसी इवेंट पे जाना है, फैशन शो पे जाना है या किसी अवार्ड सेरेमनी में जाना है और जिस डिजाइनर दोस्त है आपने कपड़े मंगवाए हैं फॉर द इवनिंग वो टाइट या ढीले आ गए हों? ढीले तो ख्वाहिश ये है कि किसी दिन आए। हम जैसे लोगों के कपड़े ढीले नहीं होते, टाइट ही होते हैं। आई रिमेम्बर एक दफा कामयार रोकनी गामी ने ना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाया, लेकिन उसकी फिटिंग के लिए मैं कोई महीना पहले गई, फैशन वीक था, कामी ने बना दिया, मैंने पहन लिया। अच्छा, जिस दिन उसको पहना तो जिस तरह इंसान अपने आप को ठूसता नहीं किसी चीज में, मैं पूरा महीना खाती रही निहारियां पाए, जिस तरह देसी स्टाइल, यू नो आई लव फूड, जी जी, वजन चढ़ गया। अब वो ड्रेस ऐसा था कि उसमें अगर आप 1 पाउंड भी चढ़ाएंगे तो मसला होगा, तो मेरे को 6-7 पाउंड चढ़ गए। अच्छा, अब किसी तरह मैंने अपने आप को ठूस लिया उन कपड़ों में और मैं इवेंट में पहुंची, उठी गाड़ी से, कदम नीचे रखा, एकदम से आवाज आई नीचे से, जिप के साथ पूरी एक लाइन वो टेयर हो गई। अब ना मैं उतरने जोगी ना जाने जोगी, ऑब्वियसली ड्रेस के साथ कोई दुपट्टा तो होता नहीं है। अब मैंने कहा हूं मैं की करा, कामी को फोने कर रही हूँ, उसका अपना फैशन जो वो भागता हुआ सुई धागा, सुई धागे से मेरे ऊपर कपड़ों को सिया और फिर मैं उठ के गई, और ऑल थ्रू एक वो जो होता है ना कि मतलब इंसान अकड़ के एंज करके चल रही थी और बैठी नहीं, पूरे फैशन शो में खड़ी रही। मैं कहा मैं नहीं बैठूंगी, अगर मैं फिर बैठी और खड़ी हुई तो फट जाता है। तो ये हुआ। थैंक यू वेरी मच जुगन कासिम साहिबा। और भाई बहुत अरसा इनको ये एडवांटेज रहेगा कि ये अपनी उम्र से हमेशा ही कम लगेंगी। दूसरी बात नुमान जी, अब मैंने 21 से क्या और कम, लेकिन मेरा 15 साल का बेटा है जो मैंने 6 साल की उम्र पे पैदा किया। अच्छा, लेकिन नुमान जी जो खतरा है इनकी सेहत को, ये बहुत टाइट प्लान्स करती हैं, फॉलो करती हैं, इनको अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए भी से केयरफुल होना पड़ेगा। किसी की हड्डियां तोड़ने से बेहतर है अपनी हड्डियों पर काम करें। उनको कैल्शियम की फराहम, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन्स लें। और गिट्टे गोडे गिट्टे गोडे समेट के रखें।
मलिया मेट क्योंकि एक दफा इन गिट्ठे गोडों में दर्दें पड़ जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल से जाती हैं। आपको तो पता ही है जी, बस फातिमा जी, जी कुछ है आपके जहन में? जुगन जी, आप हमेशा बात करती हैं और अब तो सोसाइटी में आप जैसी ख्वातीन की वजह से उस चीज डाइवोर्स को लेके बात भी हो रही है जो कि टैबू कंसिडर किया जाता था, पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि ख्वातीन का, औरतों का इंडिपेंडेंट होना किस हद तक जरूरी है? 100% होना जरूरी है। जितना जरूरी है आपके बेटे के लिए है कि वो पढ़े लिखे, उसके हाथ में कोई हुनर हो, कोई मतलब, उतना ही जरूरी बेटी के लिए। एक तो मैं पहले ये बात क्लियर कर लूँ, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आजकल फेमिनिज्म को लेके हम बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि फेमिनिस्ट, और फेमिनिस्ट की ट्रांसलेशन हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि वो औरत जो मर्द से नफरत करती है और उसको गालियां निकालती है। अगर फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो मर्दों को गालियां निकालती है, उसको बुरा भला करती है और उसको जलील करती है, तो मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ। अच्छे मर्द भी हैं इस दुनिया में, अच्छी औरतें भी हैं, बुरे मर्द भी हैं, बुरी औरतें भी हैं। बात एट द एंड ऑफ द डे, अगर दो लोगों की रिलेशनशिप नहीं चल पाती तो ये किसी का कोई मेजर फेलियर नहीं है, ना ही इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। अगर औलाद है तो दोनों मिलके अच्छे अंदाज में डिसेंट तरीके से पाल लें। वेरी गुड। अगर कोई एक ही पालना चाहता है, बच्चे को बेहतर पाल सकते हैं अकेले, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली जिंदगी फ्लूइड है। मुझे ये नहीं समझ आती कि नुमान एजाज के घर में क्या हो रहा है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? और मेरा क्या हक है कि मैं नुमान एजाज को बताऊं कि वो अपनी जिंदगी किस अंदाज में जिए? सही बात। हाय, तुमने ये क्यों किया, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अच्छा अब क्या होगा भाई तेनू की? सही बात। तूने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। पाकिस्तानियों के पास हर मसले का हल है, मसला दूसरे का होना चाहिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत काम किया है, दोनों की मैं एक तारीफ करूंगी कि मीडिया गॉसिप आप दोनों नहीं करते। नॉट इंटरेस्टेड। ये आप दोनों में एक बड़ी क्वालिटी कॉमन है। इट्स नॉट वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मैंने कभी नहीं मीडिया गॉसिप आप दोनों के मुंह से सुना। वो इंसान करता है जिसके पास कोई इंटरेस्टिंग बात करने के लिए नहीं होती, या जिसकी अपनी जिंदगी अल्लाह माफी दे इतनी खोखली होती है और खाली होती है कि उसको दूसरों के बारे में बात करके, उनको जलील करके, उनको पुट डाउन करके अपनी इंपॉर्टेंस। एक बात पूछना चाहते हैं, ससुराल के मसाइल शॉर्ट से डिस्कस करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना, ये सच है या झूठ है ये बताएं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है, शौहर से शादी के 2-3 साल के बाद कुछ भी डिस्कस करना पॉइंटलेस है। मियाँ को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए जिनको उसको फॉलो करना चाहिए। डिस्कशन का जवाब ही नहीं बनता। क्यों जी? एग्जिबिट ए। पूछे इनसे कि रबिया भाभी से कितने को सवाल पूछती है, इंस्ट्रक्शंस आती है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं। अच्छा माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती है ना, वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते चल यार मैं निकलता सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, और जिन लोगों की बीवियां ऐसी होती है रात 3 बजे भी दोस्तों को कह रहे होते यार बैठना किधर जा रहा है। माशाल्लाह यू आर सो ब्यूटीफुल। उनके कहने का मतलब ये है कि क्या फैसल भाई टाइम पे आते हैं ऑन टाइम घर आते हैं, लेट घर आता है। फैसल भाई की आंखें बिल्कुल सही काम करती है।